पहले वनडे में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 31 रनों से हरा दिया है और इस मैच में बल्लेबाजी को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही केएल राहुल अपने पहले ही मैच में खराब कप्तानी को लेकर चर्चा में है और सोशल मीडिया पर एक उनका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कई यूजर्स केएल राहुल का मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल हुआ यह कि अफ्रीका पारी का 9वां ओवर चल रहा था और उस दौरान शार्दुल ठाकुर बॉलिंग कर रहे थे, क्विंटन डिकॉक बैटिंग कर रहे थे और शार्दुल ठाकुर की बॉल क्विंटन डिकॉक के बल्ले के करीब से निकलकर विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई, जिसके बाद ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर की तरफ से जोरदार अपील की गई। केएल राहुल डीआरएस लेने का विचार कर ही रहे थे कि एम्पायर ने इसे नो बॉल करार दे दिया और क्विंटन डिकॉक को फ्री हिट मिला। अगले ही गेंद पर डिकॉक ने शॉट लगाया और सीधा बॉल जसप्रीत बुमराह के हाथों में गई, लेकिन क्विंटन डिकॉक नॉट आउट रहे क्योंकि ये फ्री हिट था। अब इसी वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर केएल राहुल का मजाक उड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि केएल राहुल नो बॉल पर डीआरएस ले रहे थे और लोग उनको जमकर ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि ये ट्रोल कितना सही है और आपको क्या लगता है, क्या पहले ही मैच में केएल राहुल की कप्तानी पर सवाल खड़े करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हालांकि केएल राहुल अपनी कप्तानी में बल्ले से भी नाकाम रहे, वो सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा शिखर धवन, विराट कोहली और अगर शार्दुल ठाकुर को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा बाकी कोई और बल्लेबाज भी टीम इंडिया का नहीं चल सका और टीम इंडिया पहला मैच साउथ अफ्रीका से हार गया और यही वजह है कि साउथ अफ्रीका 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है।